दोस्तों, जैसा कि आपको पता है BRO 03/2022 में कुक का एडमिट कार्ड आ चुका है। उसका एग्जाम होने वाला है 28 मार्च को। अगर आपका भी नाम आया है उस लिस्ट के अंदर कि भैया आपका भी एग्जाम है 28 मार्च को कुक का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, टाइम कितना मिलता है, आपको कहाँ से पढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और भविष्य में अगर आप कुक का एग्जाम देना चाहते हैं, भविष्य में BRO ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू देखिए। पहला टॉपिक है आपका कि एग्जाम में जो है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे BRO पुणे पे, तो आपको जो है क्या क्या लेके जाना है, वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, ताकि आपको जो है कोई बाहर ना निकाले, आप एग्जाम दे पाए। देखिए दोस्तों, पहला आपका जो होगा वो होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो ऑफलाइन आपके घर पे पहुंच जाएगा एग्जाम से पहले, और मान लो कि आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, जिस पेज में आपका नाम आया है ना, उस PDF के अंदर, जिस भी पेज के अंदर आपका नाम आया है, उसकी फोटोकॉपी और पहले पेज की फोटोकॉपी, उन दोनों की फोटोकॉपी आप ले जाना। वहां पर आपके लिए जो है नया एडमिट कार्ड इश्यू कर देंगे तुरंत। वहीं पर आपसे लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन लगवा लेंगे, और आपके लिए एक फोटो चिपका देंगे, और आपके लिए जो है एक नया एडमिट कार्ड इश्यू कर देंगे। तो ये तो हो गया एडमिट कार्ड। अगर ना आए तो क्या करना है आपको, वो पेज की फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और फिर आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपकी एक तो फोटो क्लियर दिखनी चाहिए, और दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, आपका ईयर भी होना चाहिए और बर्थ डेट भी होनी चाहिए। डेट भी और ईयर भी और मंथ भी, तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए, और एड्रेस जो आपने फिल किया था वो एड्रेस। तो इससे जो है अपन तीनों चीजें वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दो फोटो लेके जानी है। अब कई लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर एक फोटो काम में आती है, तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा फोटो आपको लेके जानी सही रहता है, इसलिए दो फोटो बोल रहा हूँ, ठीक है। एक आपको क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा ऐसा होता है क्लिपबोर्ड, देखिए जिस पर अपन स्कूल में एग्जाम देते थे, तो ये आपको लेके जाना है। ये आपको क्यों लेके जाना है, बिकॉज अगर आप ये नहीं लेके जाएंगे तो वो भी BRO वाले भी आपको दे देंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से बढ़िया वाला अपने हिसाब से लेके जाइए, क्योंकि पेपर होता है ऑफलाइन, तो इसी के ऊपर जो है आपको सर्किल भरने पड़ते हैं, वो गोले भरने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज एग्जाम जो होता है आपका किसी टेबल पर नहीं होता है। एग्जाम जो होगा आपका चेयर पे बैठा के, केवल आपको एक चेयर दे देंगे, चेयर पे बैठना है, गोदी के अंदर इसको क्लिपबोर्ड का रखना है, फिर भरना है, फिर पेपर सोल्व करना है आपको, ठीक है। इसलिए क्लिपबोर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक ब्लू पेन, अगर बॉल पेन हो तो और बढ़िया है। उससे क्या होता है कि अपन उसकी जो वो निब रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है, तो गोले भरने में जो है वो आसानी रहती है अपन को इस तरीके से, ठीक है। फिर पानी की बोतल। पानी की बोतल क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, पानी की बोतल जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय जब एग्जाम होता है तो पुणे के अंदर जो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए अपने आपको हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल जरूर लेके जाए आप। अब क्यों 8 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, गेट के अंदर से आपकी एंट्री हो गई, लेकिन आपका जो एग्जाम टाइम है ना दोस्तों, वो 8 बजे का नहीं है, वो पड़ेगा अपन को दोपहर का 12 बजे। दोपहर का 12 बजे जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग रहती है 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर आपका पेपर होगा, 3, 12 से 3, दोपहर के 3 बजे आप फ्री होंगे, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पानी की बोतल आपके लिए सही रहेगी। 8 बजे आपकी एंट्री होगी, सबकी एंट्री दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड है, फोटो है, ये वेरीफाई करेंगे, आपका थंब लगवाएंगे, इन सब चीजों में जो है वो दोस्तों 12 बजा देते हैं। उसके बाद 12 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया एग्जाम में क्या क्या करने वाले हैं, BRO कुक का एग्जाम पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके अंदर दोस्तों के अंदर। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे टेक्निकल के, यानी आपके कुक के क्वेश्चन रहेंगे कितने 70, 70, और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके GK के, जनरल नॉलेज। और दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आते हैं, बस केवल 2 ही लैंग्वेज आएगी, हिंदी और इंग्लिश साथ में आते हैं ये, ठीक है। और अगर आप मराठी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, तो वो सब नहीं आती है, केवल 2 ही लैंग्वेज आएगी, हिंदी और इंग्लिश, आपको इनमें से एक लैंग्वेज आनी ही पड़ेगी, मतलब आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है GK, जनरल नॉलेज, ना कि GA। जनरल GK लिखने से क्या फायदा होता है दोस्तों, कि आपको जो है स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना है, केवल जो एडवांस पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और पेपर होगा 3 घंटे का, और इसके अंदर जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। देखिए दोस्तों ये तो पता चल गया कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे कितने आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। BRO जो है ये ऑफलाइन पेपर लेता है, और खास बात क्या है BRO की, ये जो है अपना पेपर का पैटर्न चेंज नहीं करता है, जो पेपर का पैटर्न पहले था वही पेपर का पैटर्न अब रखता है ये। तो इसीलिए बोल रहा हूँ GK का जो है, केवल GK का जो है दोस्तों PDF यानी नोट्स और वीडियो कोर्स, ये जो है दोनों ही मेरे पास अवेलेबल है। ये अगर चाहें ना आप अलग से भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, किसके, केवल कुक के लिए GK वाला पार्ट। और अगर इसके जो मिलेगा ना आपको, इसका केवल आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है।
और नोट्स भी कौन से लैंग्वेज में रहेंगे, जिस लैंग्वेज में एग्जाम होते हैं अपने, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं ना, तो दोस्तों बीआरओ का एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड आया है ना, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 86 है, 89 है, फिर भी उनके एडमिट कार्ड नहीं आया, बिकॉज उन्होंने फॉर्म भरने में गलती कर दी। तो इसीलिए जो है, अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो आप बहुत लकी हो बीआरओ के लिए। अगर आपको सही मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए, तो आप एग्जाम भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप एग्जाम वाकई निकालना चाहते हैं कितने 15 से 20 दिनों के अंदर, तो जो है अभी अपने पास जो है एक गारंटी बैच है, जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंटल नोट्स मिलेंगे, किसके, कुक के, जिसके अंदर आपकी जीके और टेक्निकल दोनों ही कवर होंगे। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करना, बिकॉज कॉल नहीं मिल पाएगा, इनकमिंग नहीं है इसमें, केवल व्हाट्सएप होगा। और दोस्तों इसकी खास बात क्या रहेगी, इस नोट्स की खास बात क्या रहेगी, ये जो है आपको एग्जाम निकालने में तो आसानी मदद करेगा ही करेगा खासकर, और जब ट्रेड टेस्ट होगा उसके अंदर भी जो है ये मदद करेंगे यही नोट्स। ट्रेड टेस्ट जो होता है आपका, वो भी ये नोट्स आपके फुल्ली कवर करेगा उस चीज को। तो इस चीज में जो है आपके दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज देखिए अभी अगर आप सोच रहे हैं कि बिना पढ़े एग्जाम देने जाएंगे अपन, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि पोस्ट जो है दोस्तों केवल 133 पोस्ट है अपने पास, और 133 के लिए ऑलमोस्ट 2300 बच्चे जो हैं उनके एडमिट कार्ड आए हैं। अब इन 2300 बच्चों में से पास कितने होंगे, पास केवल होंगे ऑलमोस्ट 220 से लेकर 230, मैक्सिमम बता रहा हूं इतने, तुम्हें लगभग 133 के लिए 220 से 233 230 ही बच्चे पास हो पाएंगे। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही टफ रहने वाला है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी, किसकी, कुक की। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें जो है कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज कंपटीशन जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा रहने वाला है अभी केवल 2303 बच्चों के बीच के अंदर भी। तो देखिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिए, जनरल कट ऑफ गई थी 69%, कितने में से, 100 में से। ये दोस्तों कट ऑफ है फिजिकल के लिए, मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए बुला रहे हैं ना, फिजिकल ट्रेड टेस्ट के लिए, उसके लिए। और पिछली बार जो सीटें थी ना दोस्तों, वो थी 197, लगभग 200 सीटें थी, इस बार तो सीटें कम है, इसलिए कंपटीशन जो है पहले से भी ज्यादा रहने वाला है, बिकॉज इस बार जो है अवेयरनेस भी बच्चों में बहुत सारी आ गई है। इसलिए देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक बार, जनरल कट ऑफ हुई 69%, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 72 और एसटी की गई थी 65%। ये तो हुई कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं सीट कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी। यूआर की वैकेंसी थी 81 वैकेंसी, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 20, एससी की 29 और एसटी की थी 14, मतलब टोटल थी 197। दोस्तों इस बार जो है आप ऑलमोस्ट कितनी कट ऑफ मान के चलेंगे, देखिए जो यूआर की कट ऑफ है वो जाएगी 73% और इसकी जाएगी 70, ईडब्ल्यूएस की जो है लगभग 70 रहने वाली है, इसकी भी 72 और इसकी भी जो है 70%, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली, लगभग जो है आपको 73 लाना है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए ना, तो जो है इसमें प्लस प्लस दो नंबर आप कर लीजिए, प्लस दो नंबर बाद में बढ़ जाएगी, तो लगभग आपको 100 में से 75 क्वेश्चन आपको जो है वो सही करने ही पड़ेंगे 100 में से। तो जो है 30 क्वेश्चन तो केवल जीके के आते हैं, अगर आपने जीके वाला जो है बैच ज्वाइन कर लिया, तो आप जो है 30 में से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। मैं पूरे बोल रहा हूं, बिकॉज इसका एक पैटर्न है, पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो आप बीआरओ का एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे। और जो है अगर आपको सही स्टडी मटेरियल मिल गया, तो आप जो है एग्जाम भी आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज बीआरओ के एग्जाम में है क्या, देखिए हर कोई जो है एग्जाम 15 से 20 दिन पढ़ के ही निकाल सकता है बीआरओ एग्जाम। बीआरओ की खास बात ये है, इतना एग्जाम का लेवल आता नहीं है, 10th लेवल का एग्जाम है आपका, ठीक है। इसीलिए अगर आप गारंटी बैच लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे। और अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।